आज मैं सर करने जा रही हूँ बसंत पंचमी स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को बनाने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे और ये इतने ज़्यादा स्वादिष्ट हैं कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सिर्फ आधे कटोरी दूध से आपकी ये मिठाई बनकर तैयार होगी और बनाना इतना आसान है कि इसे कोई भी बना ले। इतने अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम लेंगे आधा कटोरी दूध। तो हम एक मोटे तले का पैन ले रहे हैं, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो ये पहले से मेरा उबला हुआ दूध है। आप अगर कच्चा दूध ले रहे हैं तो आप उसे पहले उबाल लें, उसके थोड़े ठंडे कर लें। तो इसे हमने लिया है ठंडा दूध, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लेंगे। तो इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस गुनगुना ही करना है। तो ये हमारा दूध है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब बस एक उंगली डालकर देखेंगे, जब छूने लायक हो जाए अब सह सके बस उतना ही गर्म चाहिए। जब यह बढ़िया से हो जाए गर्म तो इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी गुड़। तो मैंने यहाँ खजूर वाले गुड़ लिया है, आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं। ढेले वाले ले रहे हैं तो आप इसे इसी तरह से तोड़ लें, उसके बाद लें ताकि अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो इसे हमें डालकर बढ़िया से इसे मिला लेना है। इसे हमें चलाते हुए बढ़िया से मिला लेंगे। आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये बढ़िया से मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ गैस को ऑफ रखा है, अब इसे हमें बढ़िया से मिला लेना है। दूध को ज़्यादा गर्म ना करें क्योंकि ये गुड़ डालने से फट सकता है। तो बस हमें जब गुनगुना ही गर्म हो तभी हम गुड़ को डालकर बढ़िया से मिला लेंगे। अगर आपके गुड़ में इम्प्यूरिटी हो तो आप उसे छान लें। तो ये गुड़ में कुछ भी इम्प्यूरिटी वगैरह नहीं था, इसीलिए हमने छाना नहीं है। तो देख सकते हैं ये गुड़ है वो बढ़िया से मिल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो दूध को हमें बढ़िया से मिला लेना है। अब हम अभी गैस पर नहीं चढ़ाएंगे, हम नीचे ही इसे बढ़िया से मिला लेंगे ताकि लम्स वगैरह ना रहे। अगर हम गैस पर चढ़ा के ये प्रोसेस करेंगे तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं क्योंकि ये जल्दी से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इसमें लम्स पड़ जाएंगे, अच्छे से मिल नहीं पाएंगे। तो ये हमें नीचे ही रख कर करना है प्लेटफॉर्म पर ही। बस यहाँ हम बढ़िया से मिला लेंगे सभी चीज़ों को। आप चाहे तो इस मिठाई को चीनी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर गुड़ है वो बहुत बढ़िया टेस्ट लाता है इसमें और हमारे लिए हेल्दी भी है। तो हम यहाँ गुड़ से ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। देख सकते हैं ये बढ़िया से मिल गया है, एक भी लम्स नहीं है, बढ़िया से मिक्स हो गया है मिल्क पाउडर। तब हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे और लो फ्लेम पर ही रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए बढ़िया से पकाएंगे। तो हमें यहाँ छोड़ना नहीं है, इसे चलाते रहना है वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं, नीचे तले पर चिपक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने अभी 2 ही मिनट के लिए पकाया है। तो ये धीरे धीरे कितने गाढ़ा होते जा रहा है, पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट लगेंगे बनाने में। तो ये देख सकते हैं ये धीरे धीरे कितने गाढ़े हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 चम्मच के इतना घी। तो यहाँ आधा चम्मच है क्योंकि ये जमा हुआ है घी है। जब इसे हम पिघलाएंगे तो ये 1 चम्मच के करीब हो जाएगा। घी को डालकर हम बढ़िया से मिलाएंगे, इससे तले पर चिपका हुआ है वो भी अच्छे से छोड़ने लगेगा और इससे मिठाई का भी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो इसे हमें बढ़िया से मिलाते रहना है जब तक ये डो फॉर्म पर ना आ जाए। जब डो फॉर्म पर आ जाए तब हम यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये बढ़िया से पक गया है। अब इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डो फॉर्म पर आ गया है। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है एक प्लेट में। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाए तब हम इसे हाथों से बढ़िया से मिला लेंगे। मिलाकर इसके हम लोए बनाएंगे। तो आप इसके जैसे साइज पसंद हो, छोटे बड़े, उसके अनुसार से आप इसकी लोए तोड़ लें और इसके पेड़े बना लें। आप इसके लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको जैसे शेप पसंद हो वो आप उसके अनुसार से बनाकर तैयार कर लें। तो सच मानिए इसकी मिठाई है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे जब भी मीठा खाने का मन करे तभी आप इसे बना सकते हैं, या फिर गेस्ट आने वाले हो तो भी आप इसे बनाकर सबका मुँह मीठा कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर से बताएँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।